दोस्तों इंडियन सिनेमा में प्रभास एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो बैक टू बैक मूवी लाते रहते हैं, चाहे उनकी मूवी डिसास्टर ही क्यों ना जाए, यानी रद्दी से रद्दी पिट ही क्यों ना जाए लाइक आदि पुरुष, या फिर कोई एवरेजली हिट ही होकर क्यों ना जाए लाइक सलार। भाई इसकी मूवी लाइन पर लगी रहती है, लेकिन भाई कल की 2898 ये मूवी लगी हुई है इस साल, और ये मूवी बहुत ज्यादा तबाही मचा रही, क्योंकि इससे जुड़ी र्यूमर्स ही और इससे जुड़ी प्रभास की छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए जो सच्चे दिल वाले डाई हार्ट फैन हैं भाई तिलमिलाए फिर रहे हैं कि यार इससे जुड़ी कोई ना कोई हमें अपडेट बस मिलती रहे। और टीजर अभी इसका लगा हुआ है लाइन पे, क्योंकि टीजर हमें 10 या 11 फरवरी के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा, वो भी एक र्यूमर है, ये कितना सच है कितना नहीं है। और भाई साहब इस मूवी से जुड़ी बहुत सी इनसाइटर इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सी ऐसे चीज़ें निकल कर आ रही है जो भाई एक बार के लिए दंग करके रख दे रही, क्योंकि इतनी बड़ी ये मूवी होने वाली है, मतलब बहुत बड़ा, जब मूवी इतनी बड़ी होने वाली है भाई कैमियो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, देन उसके बाद भाई इससे जुड़ी स्टोरी कहानी क्या हो सकती है, उसके छोटे छोटे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि यार ये र्यूमर्स कितने सच हैं। दूसरा भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये जो बातें चल रही हैं वो र्यूमर्स के बेस पे चल रही हैं, कोई ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से या फिर अपडेट कुछ भी नहीं है, या फिर पत्थर की लकीर जो कहते हैं ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बोलूँगा या फिर वही चीज़ इस मूवी में होने वाली है। तो भाई दूसरा अलर्ट ये भी जारी करूंगा कि स्पॉइलर यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, जिस हिसाब से अभी मैं ये चीज डिकोड करूंगा, अगर ये सब चीजें एज इट इज मिल गई तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो क्या करना है, उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई साहब कल की 2898 इसका टीजर लाइन पर लग चुका है, यानी मतलब ऑफिशियली मेकर्स की तरफ से आना बाकी है अराउंड 10 या फिर 11 या फिर 12 फरवरी के आसपास, यानी फरवरी मिड में हमें देखने को मिल जाएगा इसका टीजर, क्योंकि भाई बहुत बड़ी ये मूवी होने वाली है। जितनी बड़ी ये मूवी होने वाली है उतना ही बड़ी इस मूवी की स्क्रिप्टिंग है, यानी इस मूवी की लेंथ है। भाई 3 पार्ट में इस मूवी को डिजाइन करने की बात चल रही है, फर्स्ट पार्ट हमें इस साल मिल जाएगा, और सेकंड पार्ट का जो हल्का हल्का रूमर सुनने में आ रहा है कि कल की जो टाइटल भी भाई रिवील कर दिया है एक हिसाब से, कल की 3102 BC के आसपास की कहानी दिखाएंगे, उसमें ये वाला टाइटल इसमें देखने को मिला जो फुल रूमर है, मैं कहूंगा बिल्कुल भी सच नहीं है, कितना सच होगा ये आगे जाके पता चलेगा। दूसरा भाई साहब कल की के सेकंड पार्ट के लिए महाभारत का जो एग्जिस्टेंस है, महाभारत की जो कहानी वाला रिलेशन है वो जरूर इसमें सेट करने की बात चलनी है, तो भाई ये भी र्यूमर है, ये कितना सच होगा वो आगे जाके पता चलेगा। दूसरा भाई मेकर्स बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग पे चल रहे हैं, क्योंकि मूवी बहुत बड़ी है भाई, डिस्टोपियन एरा की बहुत बड़ी मूवी है, और वो भी इंडिया मतलब इंडियन सिनेमा से ये मूवी निकल रही है, जो डिस्टोपियन एरा में बड़ी बड़ी मूवीज बड़े बड़े बजट के साथ निकलती हैं, और भाई साहब हमने सारे रिपोर्ट देखी है, मतलब डेटाज हमें मालूम है कि कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी जब ऐसे डिस्टोपियन एरा की निकलती है तो कितना फाड़ के बिजनेस करती है और कितना ज़्यादा प्यार मिलता है, तो वही चीज़ भाई इस मूवी से भी एक्सपेक्ट करी जा रही है। इसलिए इंटरनेशनली जो वाइड रीजन्स पर मूवी को कवर करा जा रहा है प्रमोशनल वगैरह के लिए, एक बार जब टीजर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ग्लिम्स रिलीज होने के बाद जो तबाही हमने देखी उसके बाद अगर टीजर हो गया तो टीजर में जो एक्सपेक्टेशन लोग बैठा के सेट करके बैठे हैं वैसी चीज मिलगी तो मजा आ जाएगा। माइथोलॉजिकल डिवोशनल कलेक्शन तो होने ही होने वाला है, ये चीज भाई साफ पता लग रही है, लेकिन किस हद तक होगा भाई वो भी बताऊंगा। सिर्फ कलयुग ही मतलब ये जो कलयुग वाला जो एरा है सिर्फ इसको ही कवर नहीं, भाई साहब त्रेता युग और द्वापर युग को भी कवर करने की बातें एक बार के लिए सुनने में आ रही है, जो फुल एक बार फिर कहूंगा र्यूमर है कि हमें प्रभास फिर एज श्री राम एज श्री कृष्णा का रूप में भी देखने को मिलेंगे। और भाई यहाँ तक बात तो ये भी चल रही है कि विष्णु के जो दशावतार हैं भाई वो सारे अवतार इन तीनों पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, तो कितने पार्ट्स जो मतलब कितने अवतार सिर्फ प्रभास निभाने वाले हैं और कितने अवतार और लोगों के द्वारा भी निभाने वाले हैं, क्योंकि भाई कैमियो की बहुत लाइन लगी पड़ी है। दूसरा भाई साहब कल की 2898 का जो क्लाइमैक्स होने वाला है वो बहुत हद तक फाड़ लेवल का क्लाइमैक्स होने वाला है, क्योंकि भाई क्लाइमैक्स में हमें प्रभास एज कल्की एंड अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा लड़ते नजर आएंगे, किससे भाई कली से, जो बहुत बड़ा दुश्मन है या सभी जानते हैं कलयुग का मेन जो है कली है, तो भाई उससे पंगा करते ये दोनों नजर आने वाले हैं, जिसमें भाई ये भी सुनने में आ रहा है कि अमिताभ बच्चन यानी अश्वत्थामा कल्की को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति उन्हें देनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब फिर सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट के लिए भी भाई पोस्ट क्रेडिट सीन की भी बात अभी से उठाई जाने लगी है, जो एक बार के लिए मैं फिर कहूँगा कि र्यूमर्स ही है, और कल्की सेकंड पार्ट के लिए जो गुरु का काम करने वाले हैं इसमें वो भाई नन अदर देन भगवान परशुराम आने वाले हैं, जो कल्की को मतलब अपने प्रभास को फुल गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि भाई
उनसे अगर लड़ाई के फील्ड पे अगर पूछ लो तो भाई परशुराम का नाम पहले आता है, जिन्होंने क्षत्रियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। तो उनसे बेहतर ट्रेनिंग और कौन दे सकता है जो कली को हरा पाए बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कली एक मजा हुआ ऐसा सातिर खिलाड़ी है जो भाई साहब कली को चुटकियों में मसल भी देगा। तो भाई ये जो रोल है, ये इतना भारी भरकम रोल कौन प्ले कर सकता है भाई, इसके लिए भी बातें आ रही हैं कि और बहुत बड़ा नाम जुड़ रहा है जो भगवान परशुराम का रोल प्ले करने वाले हैं। भाई जूनियर एनटीआर का नाम जो सुनने में आ रहा है कि जूनियर एनटीआर इस रोल को प्ले करने वाले हैं, और कितना सच है कितना नहीं है वो भाई हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा, जो ऑफिशियली बिल्कुल अनाउंस नहीं है, जो एक बार के लिए मैं फिर कहूँगा कि रूमर्स ही है। तो भाई साहब इस मूवी को लेकर भाई साहब फिल्मी जगत में बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही, यानी डाई हार्ड फैन जो है भाई वेट भी कर रहे हैं और ऐसे रूमर्स भी फैल रहे हैं। तो ये कितने सच हैं कितने नहीं है वो जो अभी टीजर आ जाएगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि टीजर से बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा कि भाई साहब और भी हमें क्या मिल सकता है।